ना राहुल ना पंत, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में डीके की लगी लॉटरी। किस तरीके से दिनेश कार्तिक होंगे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के विकेट कीपर, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज की तैयारियां कर रही है। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले ही भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका तब लगा था जब भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। ऋषभ पंत का चोटिल होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो दिल्ली से रूड़की अपने होम टाउन जा रहे थे, लेकिन वहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से टीम इंडिया को एक बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद पता चला कि ऋषभ पंत करीब एक साल के लिए क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे। इसको लेकर बीसीसीआई काफी परेशान थी। लेकिन दोस्तों, अब उनकी परेशानी में यहां पर एक दिक्कत यह आ गई कि वर्ल्ड कप भी इसी साल होना है और अक्टूबर में होना है, तब तक यहां पर ऋषभ पंत का फिट होना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से बीसीसीआई के लिए प्रॉब्लम यह थी कि अचानक वर्ल्ड कप के लिए एक अनुभवी विकेट कीपर किसे खिलाया जाए। केएल राहुल के ऊपर वो जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती क्योंकि वो बल्लेबाजी ही अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो विकेट कीपिंग कहां से भी अच्छी कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया के लिए एक ऐसी खबर निकल कर आ रही जो कि आप सुनकर खुश हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया दिनेश कार्तिक को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज चुन सकती है। एक बार फिर से दिनेश कार्तिक को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज चुना जा सकता है क्योंकि दिनेश कार्तिक के पास वो अनुभव है जो ऋषभ पंत से कहीं ज्यादा अनुभवी है। और पिछले साल वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि किस तरीके से अचानक डीके की एंट्री टीम इंडिया में हुई थी। इसी वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि डीके को एक बार फिर से टीम इंडिया में खिलाया जा सकता है। आप किस पर क्या राय, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।